आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर देखा होगा कि जो आर्मी वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, वो अक्सर अपने पास एक डॉग को रखते हैं, एक कुत्ते को रखते हैं। तो वो डॉग उनके पास इसलिए रखा जाता है कि वो किसी भी टाइप का अगर एक्सप्लोजिव होता है या किसी भी टाइप का बम होता है तो उसको वो सूंघ कर पता कर सके। पर यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जो वो कुत्ते होते हैं वो इतने ट्रेन कैसे होते हैं कि वो बम को सूंघ लेते हैं? क्या बम की भी कोई स्मेल होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो EDDS डॉग से होते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग से उनको कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कुत्तों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो बम को सूंघते कैसे हैं, क्या उनके बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो बम को तक सूंघ सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो EDDS डॉग्स होते हैं, यानी एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स होते हैं। अब इन कुत्तों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, पर ये तो आपको भी पता होगा कि ट्रेनिंग उसे ही दी जाती है जो उसके लायक होता है, जो उसके काबिल होता है। अब आपको इसका आंसर कुत्ते के बॉडी में ही मिल जाएगा। अब जैसे जो कुत्ते होते हैं, जो उनके सूंघने की पावर होती है वो इंसान से 10,000 से लेकर 100,000 टाइम्स ज्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स होते हैं, ये कोई भी नहीं बन जाते, मतलब किसी भी टाइप के ब्रीड को ये ऐसा नहीं बना दिया जाता है। ये काफी स्पेशल टाइप के ब्रीड्स को ही बनाया जाता है, जिसमें से अगर मैं कुत्तों की तीन बेस्ट ब्रीड के बारे में बात करता हूं तो फर्स्ट नंबर पे आता है जर्मन शेफर्ड। अब सेकंड ब्रीड होती है लैब्राडोर रिट्रीवर की, और थर्ड ब्रीड होती है बेल्जियन शेफर्ड की। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट होता है, उन्होंने जब इन तीन ब्रीड के बारे में डिटेल स्टडी करी, तब ये पता चला कि जो फर्स्ट नंबर पे जर्मन शेफर्ड है, उसको एक रिवॉर्ड चाहिए होता है, मतलब वो खिलौनों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। अब जो यहाँ पर सेकंड ब्रीड है वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। अब ये जो डॉग होते हैं, ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मतलब इनको कुछ भी काम करने के बाद भूख बहुत लगती है और इनको खाना चाहिए होता है। अब थर्ड नंबर पे है बेल्जियन शेफर्ड। अब ये जो बेल्जियन शेफर्ड होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत तेज होता है, पर इस पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इसकी क्वालिटीज को और अभी इंप्रूव किया जा रहा है, पर ये बहुत ही तेज माने जाते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प माना जाता है। अब आप उससे यही कहेंगे कि आखिर मैं इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक बता क्यों रहा हूं? तो मैं आपको बता दूं, जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ही उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, उससे पहले हम बम की जो साइंस होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जब भी किसी टाइप का बम बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब जो वो केमिकल होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की गंध भी छोड़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे दीपावली में जो भी पटाखे होते हैं उनकी एक अजीब टाइप की स्मेल होती है, उसका जो बारूद होता है उसकी एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। तो ऐसे ही जो बम होते हैं, वो जितने भी केमिकल से बनाए जाते हैं, उनकी स्मेल उनको ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सुंघाई जाती है बार बार। अब जैसे कभी भी डॉग मिलिट्री वालों के साथ एक्सप्लोजिव ढूंढने में लगता है, तो उसके बाद अगर वैसे ही स्मेल उसे देखने को मिलती है तो वो उसी तरफ जाता है, क्योंकि जो उसकी ट्रेनिंग होती है उस पर उसे सिर्फ बॉम्ब की स्मेल ही सुंघाई जाती है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर कुत्ते बॉम्ब कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्मेल के बेस पर ही डिटेक्ट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर कुत्ते ही क्यों, आखिर कुत्ते ही क्यों चूज किया गया किसी भी बॉम्ब को ढूंढने के लिए। सबसे पहले क्वालिटी, अगर हम कुत्तों का कंपैरिजन इंसान के साथ करते हैं तो कुत्ते 100,000 टाइम्स हमसे ज्यादा सूंघ सकते हैं। और सेकंड चीज, जो डॉग की नोज होती है वो हमसे 40 टाइम्स बड़ी होती है। अब आप जो भी कुत्ते की नोज होती है उसको आप गौर से देखें तो वो काफी बड़ी होती है, जो उसके नॉस्ट्रिल होते हैं उनका जो शेप होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इसके वजह से जो कुत्ते के नाक में स्मेल रिसेप्टर होते हैं, मतलब जो उसे सूंघने में हेल्प करते हैं, वो 50 टाइम्स से ज्यादा होते हैं इंसान से। अब जैसे ही कुत्ते किसी चीज को सूंघते हैं तो उसके जो सिग्नल होते हैं वो जाते हैं सबसे पहले उसके स्मेल रिसेप्टर में, उसके बाद जाते हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, एक उनके ब्रेन का ही पार्ट होता है, वहां पर जाके हीट करता है, जिसके बाद वो भी कोई भी चीज अगर स्मेल करते हैं तो उसकी स्मेल लॉन्ग टाइम तक नहीं भूलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर किसी भी टाइप की स्मेल है तो डॉग को किस तरीके से लॉन्ग टर्म तक उसे याद रहता है। जैसे अगर हम इसका कंपैरिजन हमारे ब्रेन से करते हैं, जैसे हमारा ब्रेन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक भी जो मेमोरीज होती है उसको स्टोर करके रखता है, ऐसे ही जो कुत्ते का ब्रेन होता है वो एक स्पेशल टाइप की जो स्मेल होती है उसको काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है, जिसके बाद कुत्तों को अगर कभी भी वैसे ही स्मेल दोबारा सूंघने को मिलती है तो उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, इससे आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो भी केमिकल्स होते हैं जिससे बॉम्ब बनाए जाते हैं, अब उनको सूंघकर कुत्ता ये डिटेक्ट करता है कि ये एक्सप्लोजिव है या नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि
कुत्ता सिर्फ जो आरडीएक्स बॉम्ब होता है उसकी स्मेल ही डिटेक्ट कर सकता है। अब ये जो आरडीएक्स है, कुत्ता सिर्फ इसकी ही स्मेल को डिटेक्ट करता है, इसकी ही स्मेल को वो जानता है। इस आरडीएक्स के अलावा अगर बम बनाने में कोई भी चीज यूज हुई है तो उसका पता कुत्ता नहीं कर पाएगा, कुत्ता सिर्फ आरडीएक्स की स्मेल का ही पता करेगा। अब मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो ये तीन डॉग्स है, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड और ये जो रेट्रीवर है, इसके करैक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। तो आखिर ये करैक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया क्यों? ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन्हीं के बेस पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब मान लीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर फूड रखा हुआ है और उसके बाहर से आरडीएक्स बॉम्ब रखा हुआ है। अब जिसके वजह से अब कुत्ते को भूख लगी है तो वो उस आरडीएक्स स्मेल को सूंघेगा, तो वो उसकी स्मेल को ढूंढते ढूंढते उस बॉक्स को छानना शुरू करेगा कि इस आस में कि इसके अंदर फूड होगा। तो इसी तरीके जब भी आपने मिलिट्री के साथ जो कुत्ते चलते हैं, आपने उनको देखा हो कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं, तो वो हमेशा खाना सूंघते हैं। पर यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने इसी क्वालिटी का फायदा उठाकर ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसे यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है, इनको अलग अलग टास्क देकर, सिर्फ आरडीएक्स बॉम्ब की स्मेल सुंघाकर और अलग अलग टाइप के बॉम्ब की स्मेल सुंघाकर इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि कभी भी अगर एक्सप्लोजिव होने पर ये डायरेक्ट उसी दिशा पर चलने लगेंगे। अब मैं आपको इसी चीज को और समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे जो बॉम्ब होते हैं वो ज्यादातर कैसे मिलते हैं, किसी सूटकेस में रखे हुए या किसी बॉक्स में रखे हुए मिलते हैं। तो जब उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो उसी पर ही उनको खाना दिया जाता है, जैसे सूटकेस पर ही उनको खाना दिया जाएगा, उसके बाहर से आरडीएक्स लगाकर उन्हें खाना दिया जाएगा और किसी टाइप के खिलौने में, बॉक्स में उन्हें खाना दिया जाता है और आरडीएक्स उसके बाहर से लगाया जाता है। अब जिस वजह से जब भी एयरपोर्ट में आप अगर आप कुत्ते देखते हो तो वो सबके जो सूटकेस होते हैं वो उनको सूंघते हैं। अब वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग में ही वही सिखाया गया है और इस स्मेल एक्सरसाइज के साथ साथ कुत्तों की फिजिकल ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, जैसे कुत्तों को ज्यादा एक्टिव बनाना, एक से दूसरी जगह जंप लगाना, इस टाइप की ट्रेनिंग काफी उन्हें दी जाती है। तो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से ये पता चल चुका है कि आखिर कुत्ते कैसे बॉम्ब को डिटेक्ट करते हैं, कुत्तों की साइंस और उस बॉम्ब की साइंस भी आपने पता चल गई है और आपको ये भी पता चल गया है कि उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।